हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो ऐसी मूवीज़ के बारे में जो कि सत्य घटना पर आधारित है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। 8 सितंबर 2017 में रिलीज होने वाली हॉरर और थ्रिलर मूवी इट एक सत्य घटना पर आधारित मूवी है। 1972 में जॉन गैसी नाम का आदमी जोकर का ड्रेस पहनकर कार ड्राइव करता था। उसके जोकर के ड्रेस को देखकर लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे और उसकी कार में बैठ जाते थे, पर वो अपनी कार में बिठाकर लोगों को अपने घर ले आता था और उनकी हत्या कर देता था और अपने घर के पीछे उन्हें दफना देता था। 1978 में उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। डॉक्टरों ने मेडिकल चेकअप किया तो बाद में पता चला कि उसे मानसिक स्थिति उसकी खराब हो चुकी है, वो साइको बन चुका है। 1972 से लेकर 1978 तक उसने 33 लोगों की हत्या कर दी। इसी घटना पर आधारित स्टीफन किंग जो कि हॉरर मूवी के राइटर है, उन्होंने इट मूवी बनाई, पर मूवी रिलीज होने से पहले सारे जोकरों ने मूवी को रिलीज होने से मना कर दिया क्योंकि उस मूवी से सारे जोकर की इंप्रेशन खराब होती। फिर भी मूवी को रिलीज कर दिया गया। द कॉन्जरिंग 2 10 जून 2016 में रिलीज होने वाली हॉरर मूवी द कॉन्जरिंग 2 इंग्लैंड में रहने वाली हॉडसन फैमिली पर आधारित है, जिन्होंने बताया कि एक दिन उनके बच्चों के कमरे में से अजीब सी आवाज आ रही थी। जब वे उनके कमरे में गई तब एक ड्रोन ने उनका रूम बंद कर दिया। बाहर निकलकर उन्होंने अपने पड़ोसियों को और पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। पुलिस वालों ने छानबीन की तब उन्हें भी सारी चीज़ें हिलती हुई नजर आई। बाद में पता चला कि उनके पुराने मकान मालिक की आत्मा ये सब कर रही है और उस आत्मा ने उनकी छोटी बेटी जैनट के शरीर पर कब्जा कर लिया है। इससे बचने के लिए उन्होंने एड और लॉरेन की भी मदद मांगी, पर वो दोनों भी एक दिन से ज़्यादा वहाँ नहीं रहे। ईसाई रीतियों से उन्होंने घर को शुद्ध करने की कोशिश की, पर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मूवी में दिखाए गए कुछ सीन कुछ हद तक रियल भी है और नहीं भी। यह मूवी इतनी डरावनी कि इसे देखकर 33 लोगों की मौत हो गई। और यह मूवी अकेले ना देखे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और आप ही बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं मैं।